الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين स्टेज पर जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम मोअज्ज़ज़ सुन्नी अवाम पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماهیات الاشیاء بمقتضی الجود وانشا بقدرتی انواع الجواهر العقلیہ وافاد برحمتی اجرام الفلکیہ والصلاۃ والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے پورا مجمع جی لگا کر کے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ غلامان غوث اعظم کمیٹی کی جانب سے ہونے والے جشن غوث الورا میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ قرآن اور شان ولایت کے حوالے سے مجھے بھی کچھ اپنی باتیں کرنی ہیں۔ جلسے روز ہوتے ہیں لیکن یقیناً میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ اللہ کے ولیوں کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ہماری زبانوں میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم انہیں ادا کر سکیں، کیونکہ جن اللہ والوں کی شان قرآن بیان کرتا، جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھتے، ان کی شان کوئی انسان نہیں۔ اور پھر اس پیرِ آلِ پیر کا عالم کیا ہو، کون ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکیں۔ آج جانتے ہیں بہت آسان ہے کسی پر کمنٹس کرنا، جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ کمنٹس کرنے لگا، ہے بات یا نہیں؟ عربی کی کتابوں کا حوالہ ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے دی جائے، ابھی ان سے پوچھو بخاری اور مسلم میں باب کتنے ہیں تو بخار آ جائے، لیکن وہ بتائیں گے کہ بتاؤ کہاں پر ہے غوث پاک کا ذکر۔ میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے،
बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपनी बातें शुरू करूं, आदत के मुताबिक हम्द के दो अशआर सुनना चाहेंगे? सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं? इरशाद इरशाद। ख्वाहिशमंद हैं? अच्छा मैं एक बात बता दूं, अगर ये जलसा किसी दुनियादार का होता, अगर ये जलसा ये महफिल किसी दुनियादार के नाम की सजाई गई होती, मिसाल के तौर पर आपके शहर का मेयर यहाँ आ रहा होता, या आपके इलाके का एमएलए यहाँ आ रहा होता, या कोई एमपी यहाँ आ रहा होता, तो बताओ क्या ये अगली सीट पर आप बच्चों को बैठालते? ऐसा दस्तूर है सूरत का? ये तरीका है? यकीनन ये गौसे आजम की महफिल। मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही होंगी, आप अपने घर में खुश रहें, लेकिन सोचें इस महफिल का मकाम और मर्तबा हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन कदर करे? है बात ये नहीं? यकीनन आपने बैठाला हुआ है, ये बच्चों का हक है, लेकिन कल सुबह जब हो सामने वो लोग बैठे जो सुबह अपनी आवाम को बता सके रात में बातें क्या होंगी। सुभान अल्लाह बहुत खूब। थोड़ा जलसे का निजाम जो है दुरुस्त करें, पता चले कि आप सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। माशाल्लाह। आगे देखिए, मैं आपके पास बहुत लंबा सफर करके आया हूं, ऐसा लगे कि आप सुनना चाह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यार मोहब्बत का खामोशी के साथ, कोई बिना शोर और शराबे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं एक बात बता दूं, एक बात और बता दूं, कौन है सरकार पीराने पीर दस्तगीर? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझे, कौन फरमा रहा है? अब आप बैठ जाएं, हो गया, बस इतना काफी। आपने मेरी बातों पर कान रखा, मेरे लिए बस यही नाम काफी। अब शुरू करूं? एक मरतबा हुसूले बरकत के लिए, तलबे अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक पर नजराना पेश करें। व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। कुरान और शान विलायत के हवाले से मुझे अपनी बातें करनी है। कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब। और इस किताब के दरमियान और दूसरी किताबों के दरमियान तुर्रा इम्तियाज यह है, फर्क यह है कि दुनिया की तमाम किताबें पढ़ने के बाद आप नतीजा निकालते हैं। क्यों? है ना? किताब जब आप पढ़ेंगे किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की, किसी भी स्कॉलर की, किसी भी मुसन्निफ की, किसी भी रचयिता की, जब आप तस्नीफ पढ़ेंगे तो आप पहले किताब पढ़ेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे कि मैंने ये किताब पढ़ा। मुसन्निफ की तालीफ अगर इस तरीके पर होती तो नतीजा ये आता। ऑथर की राइटिंग का रंग अगर ये होता तो रिजल्ट ये निकलता। तसनीफ अगर इस तरीके पर होती तो नतीजा ये आता। लेकिन जानते हो दोस्तों, ये किसी और की किताब नहीं है, ये किसी आबिद की किताब नहीं है, बल्कि माबूद की किताब है। इस किताब के हवाले से रब इरशाद फरमाता है, सुनो इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना लो। जालिकल किताब बोला रहे हैं। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है, बेऐब किताब है, लारैब किताब है। मैं एक बात बता दूं, सुनना चाह रहे हैं आप? कौन है पीराने पीर? शान विलायत और कुरान के हवाले से हमें और आपको बात करनी है। जानते हैं पीराने पीर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझे, मेरे बारे में सोचता है कि मैं हजरत अब्दुल कादिर की जीलानी की महफिल एशाबाद से फरमाने गौसे आजम में पीराने पीर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझे एशाबाद याद करने की सोचता है तो ये फकीर अब्दुल कादिर जीलानी रब के फजल से उसे अपनी मगरिब की दुआओं में याद करता है। ये है जात पीराने पीर। हमारी और आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि हम इनकी शान और मकाम का मर्तबा का अंदाजा लगा सकें। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि महशर में मगफिरत की सनद गौसे पाक, महशर में मगफिरत की सनद गौसे पाक है। अरे सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक, सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक है। और खैरुल वरा की आल है मौला अली के लिए।
खास तवज्जो का मुंतजी हूं अहले स्टेज से। खैरुल वरा की आल है मौला अली के लाल, अरे खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक है। खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक है और गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक। ये फरमान गौसे पाक है, नकल कर रहा हूँ। गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक का, अरे तारे हैं कुल वली तो कमर गौसे पाक है। तारे हैं कुल वली तो कमर गौसे पाक है और उनके नसब में नूरे मोहम्मदी है चल जिनके नसब में नूरे मोहम्मदी है चल वगर बेशक हसन के लखते जिगर गौसे पाक। बेशक हसन के लखते जिगर गौसे पाक। मैं बातें कर रहा था कुरान के हवाले से, कुरान और शान ए विलायत। लोग कहते हैं ना एक तबका है वो पूछता है यार कुरान में कहां है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम ईमान का ऐनक लगाओ, चश्मा लगाओ, कुरान के लफ्ज लफ्ज में तुम्हें औलिया अल्लाह का मकाम और मर्तबा समझना है। बस नजरिया और शर्त यह है कि तुम्हारी आंखों पर जो चश्मा हो ना बुग्ज और अदावत का ना हो बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा हो। फिर जब तुम देखोगे तो तुम्हें कुरान के लफ्ज लफ्ज में अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा नजर आएगा। मैं बातें करूं कबल उसके हम्द के दो अशआर सुनना चाहेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैंने अपनी आदत बनाई है कि मैं बातें करता हूं लेकिन हम्द के दो अशआर भी पेश करता हूं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम पर इल्जाम लगता है ये जो अहले सुन्नत है ना ये अपनी जिक्र अपनी महफिलों में नबी नबी के नाम की महफिलें करते हैं, है ना, वली वली के नाम के नारे लगाते हैं। ये अपने महफिलों में नबी का जिक्र करते हैं, वली का जिक्र करते हैं, अली का जिक्र करते हैं लेकिन खुदा का जिक्र हम पर ये इल्जाम है या नहीं, है ना। लोग कहते हैं, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी के इल्जाम की पर जवाब नहीं लेकिन मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का। हमारे हर जिक्र के पीछे कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। बेमकसद तो हम बिरयानी भी नहीं बनाते, तो बेमकसद हम जलसे क्यों करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं हम उस नबी के नाम की महफिलें से सजाते हैं जो नबी दीन लाने वाला है, बात या नहीं। हम उस नबी के उस रसूल के नाम का मिलाद मनाते हैं जो मुस्तफा करीम दीन लाने वाले हैं। और जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की महफिलें तीन जिक्रों से भरी रहती हैं। पहला जिक्र तो हम नबी का करते हैं, दूसरा जिक्र किसका करते हैं, आले नबी का करते हैं, है बात या नहीं। माह मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाते हैं या नहीं, सजाते हो ना, क्यों सजाते हो, खिचड़ा खाने के लिए, किस लिए। पहला जिक्र हम उस नबी का करते हैं जो नबी दीन लाने वाले हैं और दूसरा जिक्र हसनैन करीमैन का करते हैं जो जो हसनैन करीमैन जो नवासे रसूल दीन बचाने वाले। एक जिक्र हम दीन लाने वाले का करते हैं और दूसरा जिक्र हम दीन बचाने वाले का करते हैं और तीसरा जिक्र किसका करते हैं। तीसरा जिक्र कभी हम जश्न गौसे आजम मना रहे होते हैं, कभी जश्न गरीब नवाज की महफिल सजा रहे होते हैं, कभी उर्से ख्वाजा दाना मनाते हैं, तो कभी महफिल मखदूमे सिमना का इनेकाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह दीन लाने वाले का जिक्र करते हैं उसी तरह दीन बचाने वाले का करते हैं और तीसरा जिक्र इन औलियाए कामिलीन का करते हैं। क्यों? क्योंकि नबी दीन लाने वाले हैं, हसनैन दीन बचाने वाले हैं और ये औलिया अल्लाह दीन फैलाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का हर काम कोई ना कोई मकसद से होता है, कोई ना कोई बिना मकसद की तो हम बात ही नहीं करते। और मैं एक और बात बता दूं, मैं अपनी बातें शुरू करूं हम्द के दो अशआर के साथ, क्योंकि जानते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के रसूल को लोग कहा करते हैं हम पर इल्जाम लगाते हैं यार ये तो अहले सुन्नत है ना, ये नबी की शान को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। सदबार अस्तगफिरुल्लाह उलमा मौजूद है, मैं अगर इधर उधर की बातें करूं तो ये गिरेबान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यह हैसियत की हम रसूल की शान को बढ़ाएं, हमारी औकात की हम रसूल की शान को बढ़ाएं। हम रसूल की शान को नहीं बढ़ाते, जानते हैं वो जिसकी शान को रब ने बढ़ा दिया,
यानी बदबخت हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये अहले सुन्नत रसूल को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं कि खुदा से मिला सद बार। मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि नादान कुरान पढ़, कुरान पर गौर कर, रब करीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि नादान कुरान पर, कुरान पर गौर कर, रब अपने हबीब को मिलने के लिए। हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। और एक बात और बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं बनाते, है बात या नहीं? बनाते हो? हम जानते हैं कि खुदा एक है, है ना, वो वाहिद है, ना वो किसी से है ना उससे कोई, है बात या नहीं? हम अहले सुन्नत हैं, हम जिस तरह अपनी महफिलों में रसूल की रिसालत का जिक्र करते हैं, उसी तरह अपनी महफिलों में खुदा की वहदानियत का, है बात या नहीं? मिलाद उसका मनाते हैं जो पैदा हुआ, है बात या नहीं? यकीनन अल्लाह के रसूल मदीने में मकीने गुंबद खजरा तशरीफ लाए हैं मक्का में। मैं मिलाद पर बातें करूं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, लेकिन मुस्तफा करीम के मिलाद का मीम अदा नहीं। मैं बातें शुरू करूं हम्द के दो अशआर के साथ कि हम्दो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हम्दो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, और मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं रब के कब्जे कुदरत से आजाद, हर शख्स रब के कब्जे कुदरत में गिरफ्तार है, लेकिन वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा। दोस्तों हमारी एक माँ की कंडीशन ये है कि वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आज हमें शिकवा और शिकायत होती, यार हम पर जालिम मुसल्लत कहते हैं या नहीं, हम पर गम और मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, कभी हमारे कारोबार को टारगेट किया जा रहा है, कभी हमारी इबादत खानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मुस्तफा के गुलामों, जब उम्मत के आमाल परागंदा होते हैं ना, तो रब जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता, वरना रब तो इतना मेहरबान है कि मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है, और वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है, वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सारे हवाले जानता है। मैं अपनी बातें शुरू करूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं बल्कि क्या मानते हैं, शरीक नहीं मानते बल्कि जानते हैं अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबा हैं। मैं सहाबा की बात करने लगा, एक टोला ऐसा है ना जो सहाबा की मोहब्बतों का दम भरता है और मुस्तफा की मोहब्बतों पर शक करता है, तबके हर तरह के मौजूद है ना। मैं एक बात बता दूं, सहाबा का मुकद्दस मजमा है, बातें चल रही है, मौजूए सुखन क्या है, टॉपिक क्या है, वो सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, क्या बनाया बोलिए, सफीउल्लाह, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को जबीउल्लाह बनाया, क्या बनाया बोलिए। देखिए मुझे पता है आप मकान में नहीं बोलते, है ना, मकान में बोलोगे बेमौसम बारिश हो जाएगी, है बात या नहीं? और फिर हिंदुस्तान में हुकूमत भी ऐसी की बनी हुई है जिसे आपकी कम आपकी घरवाली की ज्यादा फिक्र, अजीब माहौल हो गया, जो खुद की घरवाली को नहीं देख पा रहा उसे मुसलमानों की घरवाली, अल्लाह महफूज रखे ऐसे लोगों से, है ना। मैं एक बात बता दूं, मैं ऐसे लोग आज हालात इतने खराब हो गए, हमने मुस्तफा की शरीयत को जो छोड़ा है, आज यही वजह है कि जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं वो हमें जिंदगी गुजारने का सलीका बता। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि तुम मुसलमानों की घरवाली की फिक्र छोड़ दो, क्यों, तुम खुद की घरवाली को देख लो, क्योंकि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका मदीने के ताजदार से। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूने हयात थी, आज है सुबह कयामत। क्या बातें चल रही थी, वो सहाबा आपस में बातें करते हैं कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को क्या बनाया, जबीउल्लाह बनाया,
वो बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, ये बातें करके हैरान है। ये बातें कर रहे थे कि महफिल में मुस्तफा करीम तशरीफ ले, कौनैन के वाली की जलवागरी होगी। अर्ज करते हैं या रसूल, अब जब सरकार आए तो खामोश हो गए। कौनैन के वाली इरशाद फरमाते हैं, सहाबा मौजू क्या चल रहा था, टॉपिक क्या था, मौजू सुखन क्या था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को जबीउल्लाह बनाया। हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। मुस्तफा करीम तो वो है ना जो दिलों के हालात जानते हैं। आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, सहाबा हैरान मत हो, सहाबा हैरान मत पड़ो, अरे सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त। खलील का क्या माना होते हैं बोलिए, दोस्त के, और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त। लेकिन दोस्तों में एक बात बता दूं, दोस्तों में फर्क होता होता है या नहीं? अच्छा, आपकी जिंदगी में दोस्त हैं या नहीं? सिर्फ दुश्मन बनाए आपने, बोलिए कम से कम पता तो चले। देखिए कहीं का बोलना, कहीं बोले आप पर मुसीबतें बरसती हैं, यहाँ बोलेंगे तो रहमतें बरसेंगी। और कहीं का बोलना काम आया ना, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। हाँ है दोस्त, लेकिन दोस्तों में भी फर्क होता है या नहीं? आप कहेंगे कैसे फर्क होता है, मैं बताऊं कैसे फर्क होता है, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी में दोस्त होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती है। आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं, है बात, हमारी भी जिंदगी में ऐसे दोस्त, और आपकी जिंदगी, आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, है या नहीं? और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले आप रह नहीं, है बात या नहीं? अगर नहीं मिल पाए तो दिन में दो चार बार बात ना करो तो सुकून और करार नहीं। एक बेचैनी होती यार, क्या पता नहीं कैसी हालत है, मिलाओगे फोन तब सुकून मिलेगा। दोस्तों दोस्त में फर्क होता है। उलमा फरमाते हैं कि खलील उस दोस्त को कहा जाता है जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहा जाता है जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दे। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, औलादे गौसे आजम। आप कहेंगे कैसे, अगर आपको मेरी बात पर समझ में ना आ रही है, हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, खुदा का हबीब मानते हैं। और शरीक और हबीब में फर्क होता है, होता या नहीं? मैं बताऊं कैसे फर्क होता है। हम पर इल्जाम है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूं, हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं बल्कि क्या मानते हैं, खुदा का हबीब मानते हैं। शरीक और हबीब में फर्क होता है। वो ऐसा होता है, मैं आपसे कहूं कि मुझे अपने बिजनेस में शरीक बनाओ, बनाओगे, पार्टनर बनाओगे? सोचो कि बहुत महंगा जलसा पड़ गया है, एक जलसे में गया आधा देख। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये सैयदा फातिमा जहरा की चादर तत्हीर का सदका है, उन्होंने बहुत, सिर्फ बातें आपको समझाने के लिए कह दूं। मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओ, शरीक बनाओ, तो अब अगर मेरी पार्टनरशिप आपसे 50-50% की हो गई, मिसाल के तौर पर, है ना, तो अब अगर फायदा होगा तो 50 हम रखेंगे और 50 बोलिए आप रखेंगे ना, और अगर नुकसान हो गया 50 आप भरेंगे और 50 हम भरेंगे। तब तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पीर साहब हूँ, मैं सैयद साहब हूँ, है ना, मैं औलाद गौसे आजम हूँ, आप कहें नहीं हजरत इस बार नुकसान हुआ है तो मैं ही भरूंगा, है ना, फौरन आप कहेंगे ये बिजनेस के उसूल के खिलाफ, ये कानून और जाब्ते के खिलाफ है। अभी तक जब फायदा हो रहा था तब आप ले रहे थे, अब अगर नुकसान है तो आपको भरना है, बात ये नहीं। अगर मैं बहाने करूं तो आप कहेंगे दुआई देंगे अपने ईमान,
हजरत ईमानदारी से काम लीजिए, फायदा हासिल कर रहे थे तब तो पार्टनरशिप थी, आज अगर नुकसान हुआ तो साथ छोड़ रहे हैं, कहेंगे क्यों? क्योंकि शरीक जो होता है वो अपने हिस्से, शरीक जो होता है। अब अगर मैं कहूं कि नहीं मेरा नुकसान हुआ है तो मैं 40 दूंगा 50 नहीं दूंगा तो भी आप टोक देंगे मुझे, कहेंगे नहीं हजरत जाब्ते के खिलाफ आपकी पार्टनरशिप 50% की थी तो आपको नुकसान भी आधा भरना, 40% देने से काम नहीं चलेगा। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं बनाते बल्कि खुदा का हबीब बनाते हैं। शरीक जो होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है और हबीब जो होता है वो कुल का मालिक। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 1400 साल पहले ले चलता हूं। अभी हाल ही में जानते हैं हिंदुस्तान के साइंटिस्ट का एक टीम है जिसे दुनिया इसरो के नाम से जानती है, पता है ना आपको? इसरो ने कोई कारनामा अंजाम दिया पता है? पता चला आपको या नहीं? क्या किया उन्होंने? आज चंद्रयान भेजा, कहां भेजा, कहां पर भेजा था बताओ? चांद पर भेजा था ना, लोगों ने मुबारकबाद दी थी। यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान भी मुबारकबाद पेश करता है, है ना? हम अपने वतन से उतने, हमारे वतन की कामयाबी हम हर इस देश के हर एक मुसलमान की। लेकिन मैं किसी के मुबारकबाद पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मौलाना साहब मैं बताऊं इतनी मुबारकबाद ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप जहां देखो वहां लोगों ने एकदम झड़ी लगा दी थी मुबारकबाद, है बात या नहीं? ऐसा एक टाइम तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो नहीं ये चले गए, इतनी मुबारकबाद है ना? लेकिन मैं मुसलमानों तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। अरे सुनो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में, यही वजह थी कि हम यही वजह कि हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, खुदा का हबीब मानते हैं। यही वजह थी कि चांदनी का चांद चमक रहा था, मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं रब्बे कदीर मैं इसे दो टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर और दो टुकड़े कर दे इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। यही वजह थी कि अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई, अली की नमाजें असर कज़ा हो गई थी। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं रब्बे कदीर मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। शरीक जो होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक, हबीब जो होता है वो कुल का मालिक। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं रब्बे कदीर मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। यही वजह थी कि उंगलियों का इशारा है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं रब्बे कदीर मैं चाहता हूँ इससे चश्मे जारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कौनैन के वाली इशारा कर और इससे चश्मे जारी कर दे क्यों? क्योंकि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। शरीक जो होता वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, हबीब जो होता है वो कुल का मालिक होता है। यही वजह की हम कहा करते हैं सरापा उजाला है, सरापा उजाला हमारा नबी रहमते हक आला। बोलो हमारा नबी नहीं बोलेंगे? देखिए अब तो जियो ने भी वो ऑफर खत्म कर दिया कि एक बार डालो बचता रहे। वो दूसरा दौर था कि जब जियो एक बार डाल दो और बचता रहे, अब उसमें भी रिचार्ज लगता है। और ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाओ। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर किया और ये आपकी मोहब्बत है। इस वक्त आप अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए यहाँ जमा, यही मकसद तो है ना? यह कोई और मकसद? गौसे आजम का फैजान लूटने के लिए यही तो है? या सुबह घर पे जाओ बताओ कि रात भर जलसा सुना है नाश्ता तगड़ा चला, ऐसा तो नहीं है ना? अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं तो बोले और मुंह खोले, है ना? हाँ कहीं का बोलना काम आया ना, यहाँ बोलोगे तो कौन बनाएगा गवाह?
फरिश्ते और जानते हैं पीराने पीर की महफिल है, जानते हैं वो पीराने पीर फरमाते हैं कि मैं अपने दीवानों को देखता भी हूँ सुनता भी हूँ। है बात उस पीराने पीर के नाम की महफिल है। मैं कह रहा था है सराफा उजाला, है सराफा उजाला रहमत हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला, है वो जग से निराला, और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ खास तवज्जो का मुल्तजी यकीन देखें इस शेर में। पीना है आपको क्या है आबे कौसर मिलेगा ना वहां, या वहां भी थम्स अप कोका कोला में काम चलाओ, पीना है तो बोलो है सराफा उजाला रहमत हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला, अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला, और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा, आका का मिलाद आका का हुस्न मेरी कोई हैसियत है कि मैं मुस्तफा करीम के हुस्न का हाथ, मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब की किताब ला रैब किताब भी है, इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और एक बात बता दें, इस किताब के में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इस किताब में हर चीज का जिक्र है या नहीं, इस किताब में नमाज का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक बख्शे कि हमारी पेशानियां सजदों से रोशन हो जाएं, आमीन कहें आप, आमीन, है ना, नमाज का जिक्र है क्यों, क्योंकि पांच वक्त की नमाज इस किताब में इस कुरान में कानून इस्लाम भी है और कानून इंसानियत भी है, इस किताब में नमाज का जिक्र होना चाहिए क्योंकि हम में से हर एक को पांच वक्त की नमाज अदा करनी है, कानून इस्लाम इस कुरान में रमजान के रोजे का हुक्म है, होना चाहिए, अल्लाह तौफीक बख्शे कि हम सब रोजे रखें, कानून इस्लाम है कि आपको साल में एक माह रोजे रखने, इस कुरान में जकात व खैरात अदा करने का हुक्म है, होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जकात व खैरात अदा करना कानून है, बोलिए कानून इस्लाम है, इस कुरान में माँ बाप के एहतराम का हुक्म है, होना चाहिए, क्यों, क्योंकि माँ बाप का एहतराम कानून है इस्लाम है, इस कुरान में हज करने का हुक्म है, होना चाहिए, हज करना कानून है इस्लाम है, कानून की जितनी बातें हैं वो इस कुरान में मौजूद है, लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इस कुरान में जहां रमजान का जिक्र है वहीं इस कुरान में हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा, इस कुरान में जहां नमाज का जिक्र है वहीं इस कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है, इस कुरान में जहां जकात व खैरात अदा करने का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र है, मालूम हुआ ये कुरान हमारा जहन किसी और बात की तरफ भी ले जाना चाह रहा है, ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इशारा कर रहा है, ये कुरान ये कह रहा है देखो तुम नमाज पढ़ो मगर याद रखो, देखो तुम रोजा रखो मगर याद रखो, देखो तुम हज करो कानून इस्लाम पर अमल करो, माँ बाप का एहतराम करो मगर याद रखो, ये जो हजरत लुकमान का जिक्र है, ये जो हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का जिक्र है, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र है, ये जो हजरत अस्हाबे कहफ का जिक्र है, ये कुरान उनका जिक्र करके बता रहा है कि इबादत करो लेकिन साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र करते रहो, उनकी यादें मनाते रहो, तो पता चला अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये हम सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है बल्कि ये इरशाद रब्बानी है, ये मर्जी कुरानी है, ये फरमाने रहमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, औलादे गौसे आजम, नारे रिसालत, कुरान और शान विलायत, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के हर अकीदे को कुरान से, अहले सुन्नत के हर अकीदे,
मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि अल्लाह वालों की शान बयान कर सकूं। मैं एक बात और बता दूं, कुरान में रब इरशाद फरमा रहा है, आज लोग कहते हैं कौन गौसे आजम, मैं नहीं जानता, कौन अब्दुल कादिर जिलानी, मैं नहीं जानता, कौन गरीब नवाज, मैं नहीं जानता, कौन मखदूम सुन्ना, मैं नहीं जानता, कौन ख्वाजा दाना, मैं नहीं जानता। मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, लकद काना फी कससहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, तहकीक की अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत के सामान। किसके लिए? किसके लिए? अब पता चला गौसे आजम की करामत किसे समझ में आएगी? मेरी बात हो तो मेरा गिरेबान पकड़े, फैजान की जबान है रहमान का कलाम, ऐ बात या नहीं। अब अगर कोई बंदा कहे कि गौसे आजम ने कैसे जिंदा किया तो समझ लो कुरान ने उसे किस तरह से। अब कोई कहे कि अना सागर कासे में कैसे सीता तो कुरान ने इशारा फरमा दिया कि अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात अक्ल वालों के लिए। और मैं एक बात और बता दूं, इसी कुरान में रब्बे करीम दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली, व रसूलुहु, और उसके रसूल तुम्हारे, वल्लज़ीना युकीमूनस्सला व युतूनज़्ज़का व हुम, और वो तुम्हारे वली जो नमाज को कायम रखते हैं, जकात को अदा करते रहते हैं, और आज वहुम राकिउन उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें ये आपको बताएंगे। वहुम राकिउन का माना यह है, तफसीर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यानी आजजी और इंकिसारी करते हैं। अल्लाह वली, हम सुन्नियों का यह अकीदा है कि अल्लाह जैसा कोई हो सकता है, व रसूलहु, और उसके रसूल तुम्हारे वली, हम सुन्नियों का यह भी अकीदा है कि उसके रसूल जैसा कोई हो सकता है, है बात या नहीं? वो दूसरा तबका है जो रसूल को अपनी तरह करता है, है बात या नहीं? लेकिन उसके बाद कुरान में रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना युकीमूनस्सला व युतूनज़्ज़का व हुम राकिउन, और वो तुम्हारे वली, ये जमा का सिलसिला, उलमा मौजूद हैं इनसे पूछें, इसके बाद रब्बे करीम ने जमा का सिलसिला शुरू किया है, मालूम हुआ अल्लाह वली अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता, व रसूल, और उसके रसूल जैसा कोई नहीं हो सकता, वल्लज़ीना युकीमूनस्सला, और वो तुम्हारे वली जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते रहते हैं, आजजी और इंकिसारी करते रहते हैं। ये जमा का सेगा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अरे जमाने वालों सुनो, अल्लाह के वलियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके भेजने की जिम्मेदारी तो उस रब्बे कदीर ने ली है जिसने लफ्ज़े कुन से कायनात की तख्लीक फरमाई। तो हमारी और आपकी क्या मजाल कि हम इनकी यादों को मिटा सके या इनके आस्थानों को खत्म। इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी। यही वजह है कि तारीख उठा करके देख लो, 1400 साल हो चुके इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मैं एक बात बता दूं, आज लोग इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तान पर आया है तो आक्रमक बनकर गया। मैं कहूंगा हिंदुस्तान का मुसलमान, इस हिंदुस्तान पर जो दीन फैला है ना, वो तलवार से इस हिंदुस्तान पर अगर दीन फैला है तो गरीब नवाज की किरदार से, हमारे असलाफ की कुर्बानियां। यही वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जाकर के देख लो, 600-700 साल हो चुके हैं गरीब नवाज के आस्थाने पर। आज तक हिंदुस्तान का मुसलमान किसी बादशाह की दरगाह मकबरे पर नहीं जाता, तारीख उठा करके देखो कभी देखा होगा किसी ने तो बताया। हम अगर जाते हैं तो किसी बादशाह और राजा के आस्थाने पर मकबरे पर नहीं, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जाता है तो ख्वाजा के आस्थाने। मैं एक बात और बता दूं, तारीख शाहिद है कि दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों राजाओं और लेकिन इनकी बादशाहत तभी तक कायम रही जब तक ये तख्ते शाही पर, रियाया इनकी बारगाह में तभी तक आई जब तक इनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा, शायरों ने इनके शान में कसीदे तभी तक पढ़े जब तक ये शाही खजाने के मालिक रहे, फकीरों ने इनके सामने अपने दामन तभी तक फैलाए जब तक इनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के नेक बंदों की जमात ऐसी जमात है कि इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। कभी आपने सोचा आखिर वजह क्या, आखिर इस बादशाहत के पीछे का राज क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूंगा, इस हिंदुस्तान की जमीन पर अगर आए हैं तो दो तरह के मुसलमान आए हैं,
एक वो आए हैं जो जमीन के लिए आए और दूसरे वो आए हैं जो दीन के लिए आए हैं। जो जमीन के लिए आए हैं ना, आज कोई उनका नाम लेवा नहीं, लेकिन जो दीन के लिए आए हैं ना, उनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज आज कल उनके दर पर सवालिया रहे थे। क्यों? तारीख उठा करके देखिए, ये जो तख्त ताज वाले अगर हिंदुस्तान आए तो ये अपने साथ लश्कर जरार लेकर के आए। अगर ये तख्त ताज वाले आए हैं तो दौलत का अंबार लेकर आए हैं। अगर ये तख्त ताज वाले आए हैं तो असलहे बेशुमार लेकर आए हैं, चीखों पुकार और यलगार लेकर आए हैं। लेकिन खुदा की कसम, इसे हिंद की जमीन पर जब अल्लाह वाले आए हैं तो अपने साथ लश्कर जर्रार लेकर के नहीं आए, वो नेजे और तलवार लेकर के नहीं आए, वो चीखों पुकार और यलगार लेकर के नहीं आए, वो असलहे बेशुमार लेकर के नहीं आए। बल्कि अगर इसी हिंद की जमीन पर अल्लाह वाले आए हैं तो फजले परवरदिगार मुस्तफा का शियार लेकर आए हैं, इन दीना इन लाइन इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं, जज्बाए खुलूस व इशार लेकर आए हैं, दिले बेगुबार लेकर आए हैं, मोहब्बत और प्यार लेकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ताख्त और ताज पर हुकूमत करने वालों ने सिर्फ किलों पर राज किया है, लेकिन टूटी चटाई पर बैठ करके हुकूमत करने वालों ने किलों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कौन आया, वही तो नबी का शहजादा जिसकी रगों में इमाम हुसैन, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके चला जाता है। आने वाला कौन आता है? वही तो मखदूम सिमना आता है जो समनान के तख्त को ठोकर मारता है और 22 लाख लोगों को मुसलमान करके चला जाता है। आने वाला कौन आता है? वही तो नबी का शहजादा है, नक्शबंदी दूल्हा है, सरजमीन सूरत में ख्वाजा दाना आता है और लाखों की किस्मत सवार करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। यही लिए मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी जमीन वाले बादशाह को नहीं मानते हैं बल्कि हम दीन वाले कुरान और शान सुनाएंगे आप। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है ना, है ना वली, अल्लाह वली। और अल्लाह कैसा वली? अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान के हवाले से कुरान और शान विलायत। मैं चाहता हूं कि आप जो सुने ना सुबह बताएं, क्योंकि यहां एक रात में जलसे बदल जाते हैं, एक रात में जलसे बदलते हैं, लिहाजा कंफ्यूज मत हो। अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत है ना कि जो नालायक मुस्तफा को अपने सर का ताज बना, सुभान अल्लाह, ऐ बात या नहीं। और मैं एक बात बता दूं, ये इज्जतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, जो कुछ हासिल है वो नालायक मुस्तफा के है। बात हमारा मकाम, हमारा मर्तबा, जो कुछ हासिल है वो सब किसकी वजह से? मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बात और बता दूं, तारीख उठा करके लोग दावे बहुत करने चले हैं। मैं एक बात बता दूं, लोगों को अपने सजदों पर नाज है, लेकिन एक बात और बता दूं, कुरान खोलो, कुरान में रब ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे, कहीं बताया हो? कई जगह नमाज का जिक्र है, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे। बहुत उमदा मस्जिद तामीर करते हो, जिसे हर तरह की सहूलियात से मुजयन करते हो, अपनी पाक कमाई उसमें लगाते हो और बहुत शानदार तरीके से बनाते हो। है बात, एक तबका है ना जो अपने सजदों को डिस्प्ले पर रखे हुए, सजदों को डिस्प्ले पर रखा जाता है। मैं एक बात बता दूं, इसी कुरान में रब इरशाद फरमाता है, फवाइलुल लिल मुसल्लिन, फवाइल है नमाजी। कैसे नमाजी? ये वो नमाजी है जो जानते हो अपनी नमाज अपने सजदों को डिस्प्ले पर रखते हैं। लिहाजा इबादतें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि रब की रजा के लिए। मैं बातें कर रहा था, इस कुरान में रब ने कहीं इन्हें फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे, बहुत उमदा मस्जिद तामीर करते हो जिसमें अपनी पाक कमाई लगाते हो। उस कुरान में रब ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम रोजेदार,
तुम्हारे हल्क पर कांटे चुभ रहे हैं फिर भी तुम रोजे रखते हो। मौसम की शिद्दत चाहे जितनी हो लेकिन तुम रब की रजा के लिए रोजे रखते हो। तुम्हारे फ्रिज में दुनिया भर के आइटम भरे हैं फिर भी तुम रब की रजा के लिए रोजे रखते हो। हद तो ये है कि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों से रोजे रखवाते हो फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम रोजेदार बहुत अच्छे। उस रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम जकात और खैरात देने वाले बहुत अच्छे। माल तुम्हें बहुत अजीज है लेकिन तुम रब की रजा के लिए खर्च कर देते हो। दौलत से तुम्हें बहुत प्यार है लेकिन तुम रब की खुशनुदी के लिए माल अपना जकात में खर्च करते हो। फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम जकात और खैरात देने वाले बहुत अच्छे। उस रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम हाजी बहुत अच्छे। तुम्हारे इल्म पर दुनिया नाज करती है, तुम्हारे फैज़ और फरासत पर दुनिया नाज करती है, तुम्हारे अक्ल पर दुनिया नाज है फिर भी तुम खेमों का शहर आबाद कर लेते। तुम उम्दा घरों में रहने के आदि लेकिन खेमों के शहर में आबाद हो जाते हो। तुम उम्दा लिबास पहनने वाले लेकिन दो चादर कफन की सूरत में लपेट करके मक्के की गली कूचे में लब्बैक करना हूँ लब्बैक की सदाएं बजाते हो। फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम हाजी बहुत बल्कि जानते हो रब ने फरमाया तो क्या फरमाया जानते रब ने फरमाया तो ये फरमाया कि तुम उम्मत सबसे बेहतरीन। क्या फरमाया रब ने उम्मत सबसे बेहतरीन। उम्मत किसकी होती है? किसी नेता की नहीं, नेता जी एमएलए साहब की नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। बोलो उम्मत किसकी होती है? उम्मत किसकी होती है? मैंने कहा ना ये इज्जतें ये अजमतें ये रिफतें ये बुलंदियां ये उरूज जो कुछ हासिल है वो नालायने मुस्तफा के सदके में हासिल है। क्यों? क्योंकि रब ने ये नहीं फरमाया। रब ने फरमाया तो ये फरमाया कि तुम उम्मत सबसे बेहतरीन हो। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है सुनो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम दुनिया में जाहिर होने वाली सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और उम्मत किसकी होती है? उम्मत तो नबी की होती है। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि मेरे हबीब ही इसलिए मैं कहता हम कहते हैं इज्जतें मिली हैं तो मुस्तफा करीम की बुलंदियां मिली हैं तो मुस्तफा करीम के सदके में उरूज मिला है तो मुस्तफा करीम के सदके में। इसी वजह से मैं कहा करता हूँ अरे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे इस शान से मंगतों के गुजारे। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्ने गौसे आजम फैजाने औलिया किराम। कुरान और शाने विलायत। मैं फिर अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह बेशक अल्लाह तुम्हारा वली। अल्लाह कैसा वली? अल्लाह जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी कुरान में अपनी शाने विलायत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है मैं सिर्फ कुरान ही के पास एक तबका है ना जो कहता है बुखारी में कहां लिखा हुआ मुस्लिम में कहां है ना। अभी उनसे पूछो कि मुस्लिम में बाब कितने हैं तो आंधी आ जाएगी। हिंदी की किताबें पढ़ते हैं और अरबी की किताबों का हवाला देते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कुरान ही के इर्द गिर्द रहूंगा। इस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अल्लाह कैसा वली। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान विलायत बयान फरमाते हुए खुद कुरान में इरशाद फरमाता है सुनो अल्लाह ऐसा वली इन्नमा वलियुकुमुल्लाह बेशक अल्लाह तुम्हारा वली। और अल्लाह कैसा वली? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान विलायत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है सुनो फल्लाहु वल वली व हुवा युइल्म। अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा कर दे। बात ये नहीं अल्लाह है ना। अल्लाह कैसा वली? अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा कर दे। लेकिन दोस्तों मैं अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ मेरे जुमलों को अपने सीनों की तख्ती पर नापना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा कर दे। लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हम हमारा ये यकीन है कि अल्लाह जिसे अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा कर दे और अल्लाह जिसे वली बना दे उसके कदमों में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उसके कदमों की ठोकर से मुर्दे कुरान और शान विलायत। आप कहेंगे मौलाना उड़ रहे हैं। मैं उड़ता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नालायने मुस्तफा मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं कुरान और शान विलायत के इर्द गिर्द।
अल्लाह जिसे वली बना दे उसके कदमों में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उसके कदमों की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाए। बेशक आप कहेंगे कैसे, अगर वो तबका ना माने ना तो मैं उसे मनाने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह, ये भी कुरान की रोशनी से सुनेंगे। खत्म कर दूं, सलाम पढ़ दूं। इत्तेफाक ऐसा कि मेरी तकरीर से पहले सलाम हो चुका। सुना था ना अपना बेचारे पढ़ रहे थे है ना, सलामी की तो शेर से मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम। मैं हैरत में पड़ गया यार, अब तो दुआ ही बची है। इतना लंबा सफर करके आया था। सुनना चाहते कुरान और शान वाला, किसी कुरान में, अच्छा इस कुरान में हर चीज का जिक्र है या नहीं, है ना? रब इरशाद फरमाता है सुनो, वला रतबिउ वला याबिस इल्ला फी किताबुम। इस कुरान में हर खुश्क और तर का जिक्र है, हर चीज का जिक्र मौजूद और इस चैलेंज के साथ मौजूद है कि जालिकल किताबो ला रहे। बेशक इस किताब में शक नहीं, इस किताब में जानते हैं। मैं एक बार बता दूं, आप कहेंगे कैसे बनी, गौसे आजम के कदमों की ठोकर से मुर्दा कैसे जिंदा। सवाल होता है नहीं। मैं एक बार बता दूं, कुरान पाक में एक सूरह है जिसे हम और आप सूरह बकरा के नाम से पढ़ाए कभी, अल्लाह तौफीक बख्शे, वरना तो कुरान हम कब पढ़ते हैं, हम में से हर एक खूब जानता है ना। जब दुकान नहीं चलती तो हाफिज साहब के घर के चक्कर लगते हैं। इमाम साहब 40 दिन पढ़ दें गल्ला भर जाए, खुशियां होती हैं, हम क्या करते हैं, हमने शहर खूब जानते हैं। गम और मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तब हम क्या करते हैं, हमने शहर खूब जानते हैं। आज बहुत तकलीफ होती है जब कोई कहता है ना कि अहले सुन्नत तो सिर्फ नाम के, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम उस गौसे आजम के मानने वाले अहले सुन्नत है ना, कि जिस गौसे आजम ने 11 साल तक हर रात खत्म कुरान किया। सुभान अल्लाह, मैं उसकी तरफ भी आऊं। कौन है गौसे आजम, एक बात बता दूं, इस कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। इस कुरान में एक सूरह है सूरह बकरा, अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हम इस सूरह को पढ़े, है ना? पढ़ते हैं आप या नहीं? इमाम साहब से तो अपने दुकान में मकान में कारखाने में पढ़े इमाम साहब, गल्ला आपका भरा, फिर सोचते बहुत बड़ा काम काम। मैं एक बात बता दूं, मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन दोस्तों यकीनन ये जो सूरह बकरा है ना तकरीबन ढाई पारे पर, ढाई पारे पर, बहुत लंबी सूरह है ढाई पारे पर। मैं एक बार बता दूं, ये जो ढाई पारे पर मुही सूरह बकरा, आप इमाम साहब से, आप हाफिज साहब से तन्हा अपने घर पर पढ़वाते हो या नहीं? यकीनन उनके साथ अगर सिर्फ आप ढाई सफे पढ़ लें तो वो बरकतें नाजिल होंगी जिनका आपने तसव्वुर। आप भी पढ़े, आपकी भी जिम्मेदारी। इस कुरान में जो सूरह बकरा है इसका सूरह बकरा इसलिए नाम है क्योंकि इसमें एक जानवर का वाक्य है। अगर मैं बातें करूंगा तो ना जाने कितने के जज्बात में जुड़ जाऊंगा, है ना, हॉट टॉकिंग हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर से वाकये को इसकी तरफ सिर्फ इशारा करता हुआ चला जाऊंगा कि इसमें एक जानवर का वाकया है जिसमें होता क्या है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया। वही बनी इसराइली जो आजकल हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया और ये पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है, उनका कातिल कौन है ये पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार इसके कातिल का पता करना है, इसके कातिल का पता करना है, उसे सजा देनी है, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो जानते हैं उस वक्त हजरत मूसा अलैहि सलाम, अब हजरत ये कुरान में मौजूद है, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, ये रहमान का फरमान है ना। इस कुरान में मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं थोड़े से मुख्तसर तफसील के साथ कि जानते हैं उसमें अल्लाह रब वो बनी इसराइली आपस में जिक्र बातें करते हैं कि सुनो मूसा जो है ना वो दावा करते हैं कि वो कलीमुल्लाह, मूसा दावा करते हैं कि वो रब से डायरेक्ट बातें करते हैं, तो जरा मूसा से पूछो कि इस बंदे का कातिल कौन है, इसको इस बेगुनाह को किसने कत्ल किया है ताकि उसे सजा दी जाए, उससे इंतकाम लिया जाए। हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास उनकी कौम आई, हजरत मूसा अलैहि सलाम से कौम ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा, मूसा आप तो कलीमुल्लाह, आप तो दावा करते हैं कि आप अल्लाह से बातें करते हैं, लिहाजा पूछिए कि इस बंदे का कातिल कौन है, इस बंदे का कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, बस हां बस यही मामला, यही वो मामला है जिसके लिए बहुत बहुत परेशान हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम को हेतूर पर गए, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे कदीर तू उस बंदे के कातिल के बारे में,
तो उस बंदे के कातिल के बारे में बताते कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मूसा उनसे बता दो कि एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत मूसा पर अर्ज करते हैं मौला कौम उस बंदे के कातिल के बारे में पूछ रही है कि उसका कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब इरशाद फरमाता है मूसा उनसे बता दो अपनी कौम से कह दो कि एक जानवर ले क्या लाए एक जानवर एक बकरा ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि जाओ अगर तुम्हें उस बंदे के कातिल के बारे में पता करना है ना तो एक जानवर ले और तुम जानते हो बनी इसराइली बहुत चौचेरा वाली कौम थी ये ऐसा है तो ऐसा ये वो कौम थी ना जिस पर मन और सलवा नाजिल हुआ तो उसने पसंद नहीं की काम वो खाएंगे जो जमीन से उगता है उलमा मौजूद है अगर मैं ऐसी तंजील कौम उसने कहा मूसा हम जानवर तो ले आएंगे लेकिन आप पूछिए रब से कि उस जानवर की एज क्या उसकी उम्र क्या हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कदीर की बारगाह में कुरान की तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं रब्बे कदीर की बारगाह में पहुंचे अर्ज किया रब्बे कदीर कौम उस बंदे के उस कौम उस जानवर के उम्र के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता मूसा कौम से बता दो ना बहुत बूढ़ा हो ना जवान ना बच्चा बल्कि जवान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से बताया कि ना बहुत बूढ़ा हो ना एकदम बच्चा हो बल्कि जवान हो। अब कौम ने फिर एक सवाल डाला ये बनी इसराइली थी उन्होंने कहा मूसा हम जानवर तो ले आएंगे लेकिन जो जानवर होते हैं ना वो अलग अलग रंग के होते हैं नहीं आप लेने जाते हो बकरीद में जानवर गए हो लेकिन हमारी कौम की हालत कुछ और है। हम मोबाइल लेने जाएंगे तो 5000 ज्यादा देकर के आएंगे ताकि जीबी बढ़ जाए लेकिन जब कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं ना तो 5000 कम देकर के आते हैं ताकि जेब पर हल्का रहे। है बात या नहीं अगर मेरी बातें सच्ची ना हो तो आप बताएं। मैं एक बात बता दूं ये जो कुर्बानी पेश करते हो ना किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि रब की रजा के लिए। आपसे अगर आपका दोस्त पूछे यार 20,000 वाला क्यों नहीं लिया 25,000 वाला क्यों लिया फौरन कहोगे यार इसमें जीबी ज्यादा इसका मेगापिक्सल ज्यादा है इसमें फंक्शन ज्यादा। लेकिन जब जानवर लेने जाओगे तो फिर इमाम साहब से पूछोगे इमाम साहब कुछ ऐसा रास्ता बताओ जो शॉर्टकट हो या नहीं। दोस्तों जब रब के जैसे दुनियावी चीजों पर खर्च करते हो ना जब रब का मामला आए और रब की बारगाह में खर्च करना हो तो दिल खोल के ये रब ना उसी ने आकुन फरमाया तो फयकुन हो गया है ना। उस दौलत ही तो उसी ने दी है हमारे लिए उसने अपनी दौलत के खजाने खोल। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कौम से बताया कौम ने पूछा जब कि रंग कैसा हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया है रब्बे कदीर कौम उस जानवर के कलर के बारे में कि उसका कलर क्या हो किस रंग का हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाता है मूसा उनसे बता दो पीले कलर का दिखने में खूबसूरत मालूम होता और जवान। अब वो जानवर को तलाश करना शुरू कहीं मिल नहीं रहा था। बहुत मुख्तसर से वाकये को मैं समेट करके बता दूं काफी रकम दी आखिरकार एक यतीम के पास मिला काफी रकम खर्चा की उसको लेकर के आए लाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फकुल नदरिबुहा बिबादिहा कज़ालिका युल्लाहु। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जानवर को राह खुदा में पेश करो और इसके गोश्त के टुकड़े को लो और फकुल नदरिबुहा बिबादिहा कज़ालिका युल्लाहुल मौता इसके गोश्त के टुकड़े को लो और उससे उस गोश्त के टुकड़े से मुर्दे को मारो मुर्दा जिंदा हो। मैं हैरत में पड़ गया या अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने लंबे चक्कर की जरूरत क्यों। मूसा तो कलीमुल्ला है ना दुआ कर देते हैं रब्बे कदीर इस मुर्दे को जिंदा कर दे बात या नहीं या दुआ कर देते हैं रब्बे कदीर मुझे इसके कातिल का नाम बता दे काम हो जाए इतना लंबा चक्कर क्यों कि जानवर लाओ इस कलर का हो इतना ज्यादा लंबा इतना लंबा सफर क्यों इतनी दिक्कतें इतनी परेशानियां क्यों आखिर डायरेक्ट क्यों नहीं है ना। आखिर कुछ लोग हमारी कौम में डायरेक्ट वाले जो कुछ कहना है खुदा से कहो इतना लंबा चक्कर क्यों कि जानवर लाओ इस कलर का हो इतनी ज्यादा निशानियां क्यों क्योंकि जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर
اللہ رب العزت خالق عقل بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتا دے، بنی اسرائیلی چاہے جیسے تھے، چاہے جتنی تنگ دل قوم تھی، علماء سے خاص توجہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم ہٹو، ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ قوم ہے نا جو کہتی جو مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگو، لیکن میں ایک بات بتا دوں، بنی اسرائیلی چاہے جیسے تھے، چاہے جتنی تنگ دل قوم تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا موسیٰ تم ہٹو، ہم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے، نہیں، موسیٰ تم بات کرو، موسیٰ تم سوال کرو، موسیٰ تم مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، ارے خدا جب سنتا ہے، جب نبی بھی، خدا کب سنتا ہے؟ جب نبی بیچ میں ہو۔ ظالمو، تم کہتے ہو مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ، ڈائریکٹ مانگو، تو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، زندگی بھر مانگتے رہو گے، کچھ نہ ملے گا، بلکہ جو کچھ ملے گا وہ مصطفیٰ کے وسیلے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا، تو اگر ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بن کر چمکے، اگر عمر تھے تو فاروق اعظم بن کر چمکے، اگر عثمان تھے تو ذوالنورین بن کر چمکے، اگر علی تھے تو شیر خدا بن کر چمکے، اگر عبد القادر تھے تو غوث اعظم بن کر چمکے، اگر معین الدین تھے تو خواجہ ہند بن کر چمکے، اگر نظام الدین تھے تو محبوب الہی بن کر چمکے، اگر سید اعود الدین اشرف تھے تو غوث العالم بن کر چمکے، اور اگر سید جمال الدین تھے تو خواجہ دانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ڈائریکٹ نہیں ہوا، بلکہ مصطفیٰ کے وسیلے سے کیا ہوا ہے، وسیلے سے ہوا ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، اچھا باتیں اتنی ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مردہ زندہ ہو جاتا۔ میں اللہ رب العزت سے میں نے سوال کیا، رب قدیر اتنا لمبا چکر کیوں، اتنے لمبے، اتنے زیادہ لمبا چکر، اتنی پریشانیاں، اتنی قربانیاں کیوں، تو نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سن، میرا وجدان کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، سن، میں جانتا ہوں میں خالق عقل، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، میں خالق عقل ہوں۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے محبوب بندوں کی کرامتوں پر شک کریں گے، جو میرے محبوب بندوں کی کرامتوں کو عقل کے ترازو پر تولنا چاہیں گے، تو ان کے سامنے یہ واقعہ ہونا چاہیے کہ جب مردہ جانور کے دم کی جانب سے گوشت لے کر مردہ کو مارا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا، تو بتاؤ غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں؟ ارے غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، اللہ نے ایک جانور کے گوشت میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ اس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو گیا، اسی رب قدیر نے حضرت غوث اعظم کے قدموں میں اتنی قوت پیدا کر دی تھی کہ ان کے قدموں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، اسی رب قدیر نے حضرت غریب نواز کے اندر وہ پاور پیدا کر دیا تھا کہ ان کے اشارے سے انا ساگر کاسے میں سمٹ آیا تھا، اسی رب قدیر نے حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر شملانی کے اندر وہ قوت پیدا کر دی تھی کہ ان کے اشارے سے مورت عورت۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ڈائریکٹ نہیں ہوا، مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوا۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، میں قرآن اور شان ولایت ہی پر بات کروں۔ اچھا اس قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے، بولو جلدی سے، آخری بات کہوں، تقریر ختم، کیونکہ آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں ساری ذمہ داری ہماری تھوڑی، سوال آپ سے بھی ہوگا، سوال اہل اسٹیج ہی کی ساری ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ سوچتے ہیں کہ بلا لیا مرغا کھلا دیں گے تو ذمہ داری، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج حالات بہت خراب ہو گئے، آج ہمیں جانتے ہو بزرگان دین بھی دیشے سے یاد آتے ہیں، کھانے سے ہم بزرگوں نے دین کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ وہ غوث پاک ہے نا جنہوں نے 12 سال تک گھاس کے پتوں کی بنی ہوئی روٹی روٹی، آج تو ہم جانتے ہیں کہ غوث اعظم ہے تو بریانی کھانی ہے، امام حسین کے نام کی محفل ہے تو پھر کھچڑا کھڑائیں گے، پھر شربت پیئیں گے ٹھنڈا۔ دوستوں، اپنے بزرگوں کے اسلاف کے کارناموں پر غور، صرف کھانوں پر نہیں، دسترخانوں پر نہیں، بلکہ ان کی میدانوں کو بھی سوچو، کون ہے؟ میں بات کر رہا تھا، اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن اور شان ولایت، اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اس قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے یا نہیں؟
है ना, हर चीज का जिक्र है। जिस कुरान में इबलीस का जिक्र हो वो कुरानी इबलीस के भाइयों को छोड़ेगा? उनका भी जिक्र है, बस कुरान पढ़ने की जरूरत। मेरी बातें लोगों को लग रही हैं, लेकिन जो बातें सच्ची ना कहूं तो मेरा गिरेबान पर। इस कुरान में हर चीज का जिक्र है, इबलीस का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है, इबलीस का जिक्र है। तो इबलीस के भाइयों को कैसे छोड़ेगा? कुरान इरशाद फरमाता है, सुनो, हम कहते हैं ना, कभी हम गरीब नवाज मना रहे होते हैं, कभी उर्से मखदूम सिन्ना, आज जश्ने गौस वगैरह मना रहे। यार इनके यहाँ वली बहुत लोग कहा करते हैं, हम यार तुम्हारे यहाँ वली उर्स बहुत होता है। मैंने कहा सुनो, ये रब का फैजान, मुस्तफा का एहसान कि हर तरफ वलियों की बहार है, इसीलिए उर्स। अच्छा उर्स कहाँ होता है? उर्स कहाँ होता है? इसी सूरत में आप उर्स मनाते हैं, उर्स ख्वाजा दाना। उर्स कहाँ होता है? कोई भी खत्म हो जाए तुम चादर चढ़ा चढ़ा ऐसा तो नहीं मामला। किसकी मजार पर चादर चढ़ा? जो अल्लाह के वली होते हैं। उर्स कहाँ होता है? वलियों की मजारत पर, जहाँ वली होते हैं। कुरान इरशाद फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में, والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير, जालिमों का कोई वली और मददगार नहीं, जालिमों का कोई वली नहीं होता। अब जो विलायत का इनकार करे, कुरान उसे जालिम कह रहा है। बात मेरी नहीं है, कुरान ऐसे लोगों को जालिम कह रहा है। वलियों की विलायत का जो इनकार करे, والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير, जालिमों का कोई वली और मददगार नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैं बता दूं, यहां अहले सुन्नत पर हर तरफ वलियों का फैलाव, कभी जश्ने गौसे वगैरह, कभी जश्ने गौसे आजम, कभी जश्ने गरीब नवाज, क्यों मनाते? हर तरफ वलियों का फैजान। अच्छा, दूसरी जमात के पास एक उर्स है, नजद से लेकर के देवबंद तक, और देवबंद से लेकर के नदवा तक एक उर्स है। क्यों नहीं? एक भी वली वत ज़ालिमून मा लहुम मिन वली वला, एक भी उर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी वली नहीं। और यहाँ रब का एहसान है, सुन्नत पर मुस्तफा का फैजान है, अरे हर तरफ वलियों की बहार है, इसीलिए उर्स बहार है। यही वजह है कि कभी हम जश्ने गौसे आजम मना रहे होते हैं, कभी उर्से ख्वाजा दाना मनाते हैं, कभी उर्से मखदूम सिन्ना मनाते हैं, और आज की इस महफिल में जश्ने गौसे वरा मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जस्ते गौसुल वरा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह कौन है गरीब गौसे आजम? आज तो हमें बुजुर्गान ने दीन ना सिर्फ करामतों से याद किया। मैं एक बात बता दूं, हमारा ईमान इतना यकीन इतना मजबूत होना चाहिए ना, चमत्कार को नमस्कार करना छोड़ो, चमत्कार को नमस्कार मत करो। उलमा मौजूद है, अगर कोई एक बंदा, कोई बंदा एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए, और अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो वो हमारे जूते की नोक है। बात ये नहीं, कोई अगर नींबू काट करके दो चार लाल कतरे गिरा दे तो तुम दीवाने बन जाते हो, नारियल फोड़ करके चूड़ी गिरा दे तो फिर कहते हैं अपने वक्त का बाबा बहुत बड़ा। मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारा ये कैफर किरदार, तुम्हारा ये कैरेक्टर नहीं है, तुम्हें अल्लाह का नाम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। अरे तुम तो उनकी दामन से वाबस्ता हो, तुम उनकी चौखट से वाबस्ता हो कि जिनकी चौखट पर अपने आते हैं, बेगाने आते हैं और अपने बने बने, तुम इधर उधर की ठोकरें खाओ तो तकलीफ होती। मैं कहना चाहूंगा, आप जश्ने गौसुल वरा में आए हुए, कौन है गौसे आजम? गौसे आजम वही ना कि जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पल भर में बाहर निकाला, वही पीराने पीर दस्तगीर ना कि जिनकी बारगाह में चोर आए और वली बन करके चला गया, वही पीराने पीर दस्तगीर ना जो मुर्ग की हड्डियों पर हाथ फेरे और मुर्गा जिंदा, वही पीराने पीर दस्तगीर ना जो मुर्दे को ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा। यही ना, लेकिन मैं बताऊं कौन अब्दुल कादिर जिलानी? अरे दोस्तों, वो अब्दुल कादिर जिलानी की जिन्होंने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? अरे वो अब्दुल कादिर जिलानी कि जिन्होंने 12 साल तक घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? अरे वो अब्दुल कादिर जिलानी जिन्होंने 11 साल तक हर रात खत्मे कुरान। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? अरे वो अब्दुल कादिर जिलानी कि जिन्होंने बचपने में हलाल छिपाने के लिए, है बात ये नहीं, आज हम और आप हराम कमाने के लिए न जाने कितने की कसम गौसे पाक वो है ना, इनकी जिंदगी, इनके किरदार, इनके कैरेक्टर पर अगर मैं बोलने लग जाऊं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं।
लेकिन पीराने पीर की जिंदगी का एक बाब मुकम्मल नहीं। और ये ऐसे अल्लाह वाले हैं ना, ये जो कह देते हैं वो सादिकिन, रब फरमाता है ये इतने सच्चे होते हैं जो कह देते हैं वो हो जाता है। यही वजह है ना कि उन्होंने कहा और चोर वली बन गए। उन्होंने इशारा किया तो मुर्दा जिंदा हो गया, उन्होंने मुर्ग की हड्डियों पर हाथ फेरा तो मुर्गा जिंदा हो गया। वो जो कह देते हैं ये ऐसे सच्चे होते हैं। और जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो अल्लाह से डरो, हम भी डरते हैं अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ डरते डरते हो, लेकिन हर वो काम जरूर करते हो जिससे अल्लाह नाराज हो और उसका रसूल। दावा है कि हम खुदा से डरते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जो खुदा से डरता है ना वो जमाने से नहीं डरता, जो खुदा से डरता है वो फिर हालात से समझौता नहीं करता, जो खुदा से डरता है वो जमाने के रंग में नहीं रंगता बल्कि अपने रंग में जमाने को रंग लिया करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आज जमीन हल्की सी हिलती है ना हम घबरा, लेकिन जो खुदा से डरता है ना, यही वजह थी कि चोरों ने पूछा था, डकैतों ने पूछा था, डाकुओं ने पूछा था, खुदा से डरने वाले बंदे से क्या है तुम्हारे पास। जो खुदा से डरता है ना वो दिलों के हालात, यही वजह थी कि जानते गौसे पाक ने हलाल छिपाने के लिए झूठ बोला। ये खुदा से ऐसा डरते हैं कि जमाने को अपने रंग में रंग लिया। और मैं एक बात और बता दूं, बहुत बहुत तसव्वुफ की बात नहीं करूंगा, बहुत गाढ़ी बात नहीं करूंगा, हम में से हर एक को खुदा से डरना है। और खुदा से कैसे बताऊं, बताऊं मिसाल के तौर पर, आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में कहीं जाओ, किसी की दुकान पर जाओ और वहां देखो उसकी दुकान के बाहर कहीं कोई पर्स पड़ा हुआ जो रुपयों से भरा है ना, अब पैसा पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है इंसान है, दिल बेचैन हो, फौरन उठाओगे या नहीं, है ना, फितरत है इंसान, पड़ा माल कोई छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, दीवाने उठा लेते हैं तो लोग कैसे छोड़ेंगे, फौरन उठा लो, लेकिन जैसे उठाओ और उसी वक्त अगर निगाह पड़े कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ क्या करोगे, आज कैमरों से लोगों को बहुत तकलीफ, हालात बहुत खराब होंगे, कैमरा लगा हुआ क्या करोगे, फौरन छोड़ोगे या नहीं, अगर उठा के जेब में भी रख लोगे ना, निगाह पड़े कि कैमरा लगा है, फौरन जेब से निकाल कर, है बात नहीं। अब मैं बताऊं खुदा से आपको कैसे डरना, हर वो काम करो लेकिन बस ये यकीन रखो कि खुदा देख रहा है। जिस तरह कैमरे के डर से वो अपने जेब का पर्स निकाल करके रख देते हो, इसी तरह बस ये यकीन रखो कि खुदा देख रहा है। खुदा की कसम फिर गुनाहों की तरफ तुम्हारे कदम नहीं बढ़ेंगे, फिर तुम्हारी हर कदम रब की खुशनुदी और रजा के लिए होगी, फिर ये जो आपस में इख्तलाफ है ना ये खत्म हो जाएगा, फिर मोहब्बतों का जाम पियोगे और मोहब्बतें फैलाओगे। यही वजह थी कि पीराने पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं, गौसे पाक की करामत नहीं, सिर्फ गौसे पाक की एक फरमान सुनाओ, और तकरीर खत्म। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अल मुहिब्बु ला यमलिकु शय युसल्लिमु कुल्ला इला इल्लल्लाह, मुहिब की ये पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता, युसल्लिमु कुल्ला इला महबूबिही, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। इसका फरमान किसका है, पीराने पीर दस्तगीर का, ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है जो 12 साल की कश्ती को क्या फरमाते हैं, मुहिब की ये पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के हवाले कर देता है। हम सब गौसे पाक के, गौसे पाक के नाम का लंगर खाने वाले हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे के नारे लगाने वाले हैं, वो पीराने पीर फरमाते कि मुहिब की ये पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। इस बात का मतलब समझो, इसको और फैलाऊं, एक्सप्लेन करूं, इस बात से गौसे आजम इशारा फरमाना चाहते हैं कि हम सब का दावा है ना कि हम रसूल के मुहिब, हम नारे लगाते हैं ना कि गुलामी रसूल की मौत भी कबूल है। गौसे पाक फरमाते हैं कि सुनो, मुहिब की ये पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। इस बात का मतलब ये है कि घर उसका होता है मगर शरीयत रसूल की चल रही है, बहु बेटियां उसकी होती हैं लेकिन पर्दा और लिबास रसूल के हुक्म के मुताबिक दे रहा होता है, औलादें उसकी होती हैं लेकिन तालीम मुस्तफा की दे रहा होता है, मुल्क उसका होता है लेकिन निजाम मुस्तफा का चल रहा होता है, अदालतें उसकी होती हैं लेकिन कानून मुस्तफा का चल रहा होता है, यानी वो बंदा अंदर से बाहर तक हुजूर का गुलाम है। सुभान अल्लाह,
आज की इस महफिल में आए ये अहद लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ। ये जो जलसे होते हैं ना, आज हमने जलसों का निजाम दरहम दरहम, आज तो हमें जलसे तब तक समझ में नहीं आते जब तक कोई ये ना कह दे जलसा करोगे और जन्नत। आज अगर कोई कह दे यार एक बार सुभान अल्लाह कह तो जन्नत मिल जाएगी, हजारों हाथ उठ जाते। मैं एक बात बताया, मैं जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं कहता, खुदा की कसम ये दिल के जज्बात हैं, अपने आप बंदा बोलता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक जलसे से जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत जिसके सरदार ने अपना पूरा खानदान कटवा, वो ये जो जलसे होते हैं ना, आज इस जलसों को हमने कॉमेडी शो बना दिया। ये जलसे जो होते हैं ना, ये रियल, ये रियाजुल जन्नत, जन्नत के बागात हैं ये जलसे। मैं एक बात बता दूं, किसी जगह के मुसलमान अगर नमाज पढ़ सकते हो ना पढ़, किसी जगह के मुसलमान अगर रोजा रख सकते हो ना रख, किसी जगह के मुसलमान अगर कानून इस्लाम पर अमल कर सकते हैं और ना करें, तो जानते हैं फिर कुदरत की जानिब से वो खतरनाक फैसले होते हैं ना। कि रब फरमाता है कि तुम तुमने आसानियों के दिन में नहीं किया, तो हम ऐसे हालात ले आएंगे कि तुम करना चाहोगे तो नहीं करोगे। आज तो अल्लाह ने हमें मोहलत दी, आज हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे खुले हैं। बताइए लॉकडाउन किससे है? आप चाहते थे कि मस्जिदों में पहुंच जाए, लेकिन मस्जिदों के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए। आप चाहते थे कि तरावी की नमाजों में शिरकत करें, लेकिन आपके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद। कितनी जंगें हो गई थी, लेकिन आज फिर मस्जिदें पुकार रही हैं और लोग पहुंच रहे हैं। जरूरत इस बात की, गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा जो सच्चा मुहिब होता है ना, वो अपने रंग को मुस्तफा के रंग में रंग लेता है। फिर जमाना देख करके कहे हमारा कैरेक्टर ये होना चाहिए, हमारा इखलाक और किरदार ये होना चाहिए कि हमें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर कहें कि जब 1400 साल बाद मुस्तफा के गुलामों का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम। आज हम कैरेक्टर के मैदान में हमारा किरदार तो इतना गिर गया है ना कि हमारे झूठ से हमारे माँ बाप महफूज, हमारे झूठ से हमारे घर वाले महफूज, हमारे झूठ से हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार, हमारे जबान से हमारे माँ बाप महफूज। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने आप को किरदार का, सिर्फ नाम का मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आखिरी बात कौनैन के वाली का एक फरमान सुनो और तकरीर खत्म। हबीब का फरमान है कुल्लो उम्मती यदखुलुना, आका फरमाते कुल्लो उम्मती यदखुलुना जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाए। बोलो जाना है आपको? अरे अब तो सुभान अल्लाह बोल दो, सबको जन्नत में जाना। आका का फरमान, ये उस रसूल ने फरमाया कि हमारा ईमान और अकीदा है कि मुस्तफा करीम जो फरमाते हैं, ये उस रसूल ने फरमाया कुल्लो उम्मती यदखुलुना जन्नत। अरे रसूल ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज बनता है, मुस्तफा करीम ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ गया, इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, इशारा किया तो दरख्त खींच कर रसूल जो फरमाते हो। आका फरमाते कुल उम्मती यदखुलुना जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने, मगर वो जिसने इनकार किया, यानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब जो मुस्तफा करीम का ये फरमान सहाबा ने सुना ना, तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत ये है कि हमें भूख लगी होती है, हम आपके चेहरे का दीदार करते हैं, हमारी भूखों का खाना या रसूल अल्लाह, हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं, हमारी भूखों का खात्मा होता है, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत यह है कि हम आपको देखते नहीं है तो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी तो कंडीशन ये है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते सहाबा सुनो कुल्लो उम्मती यदखुलुनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका इरशाद फरमाते सुनो मन अतानी फकत दखलल जन्नत व मन असा फकत, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, जिसने ना मानी उसने।
अल्लाह के रसूल का ये जो फरमान है ना, ये हमारे लिए मीजान और तरह इसे अपने हाथों में ले और अपने गिरेबान में झांक करके देखें। किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं, पड़ोसी को टारगेट बनाना मकसद नहीं है, रिश्तेदारों पर उंगलियां उठाना मकसद नहीं है। हम में से हर एक से अपना अल्लाह के रसूल के इस फरमान को मन अतानी फकत दखल जन्नत व मन असा फकत अबा, इसे मीजान बनाए और अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की और कहां कहां नहीं मान रहे। आज हमारी बहन बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की? आज हमारे काम का नौजवान जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा है? मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा है क्या अल्लाह उसके रसूल की मान रहा है? आज हमारे कौम के ज़ईफ़ माज़रत के साथ आप हमसे बड़े हैं, लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले और एक दूसरे के ऐब तलाशें, फला की बेटी ऐसी है फला की बहू ऐसी, अल्लाह और उसके रसूल की मान है। मुसलमानों अल्लाह के रसूल के इस फरमान को अपने हाथों में ले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। मन अतानी फकत दखल जन्नत व मन असा फकत अबा, कि सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं। अरे जहां जहां मान रहे हैं वह अमल करते रहे और जहां जहां नहीं मान रहे वह अमल कर, क्योंकि एकाम वही फिर है तबाही का जमाना, एकाम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे, आमीन कहे आप, खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह। Yeah.